दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर सफल फिल्मी हीरो की सफलता के पीछे एक ऐसे सहकलाकार का हाथ होता है जो कि उसे फिल्म में उभार देता है। और ऐसा ही कुछ है सनी देओल के साथ, जिनकी सफलता में एक बहुत बड़ा हाथ अमरीश पुरी जी का भी है। जब जब सनी देओल के साथ अमरीश पुरी जी आए हैं, तो इन दोनों की जोड़ी ने एक यादगार फिल्म दी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसी ही 10 फिल्में जिनमें सनी देओल और अमरीश पुरी दोनों ने साथ साथ काम किया है और फिल्म को यादगार बना दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1989 में आई त्रिदेव की। हालांकि त्रिदेव से पहले सनी देओल और अमरीश पुरी जबरदस्त, समुद्र, सल्तनत और यतीम जैसी फिल्मों में साथ साथ काम कर चुके थे, पर उन दोनों के साथ में ये पहली ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इस फिल्म में सनी देओल ने जहां एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है और उनका साथ दिया है नसीरुद्दीन और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों ने, वहीं अमरीश पुरी इसमें एक खतरनाक गैंगस्टर बने हैं। त्रिदेव के बाद दोनों एक बार फिर घायल में साथ आए। इस फिल्म में अमरीश पुरी जी एक बिजनेसमैन के किरदार में थे जो कि असल में एक स्मगलर था, और उन्होंने सनी देओल के भाई बने राज बब्बर का मर्डर कर दिया होता है, और किस प्रकार सनी देओल उनसे अपना बदला लेते हैं, पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द बुनी गई है। इसी फिल्म से सनी देओल की गुस्से वाली इमेज बनी थी और ये फिल्म एक जबरदस्त हिट रही थी। इसके बाद 1992 में आई विश्वात्मा में एक बार फिर दोनों साथ दिखाई दिए। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने एक खतरनाक गैंगस्टर का रोल निभाया है जो कि केनिया में बेस्ड है और वहीं से अपनी आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं। और सनी देओल इसमें भी एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है जो कि केनिया जाकर अमरीश पुरी के साम्राज्य को नेस्तो नाबूद करते हैं। इस फिल्म में चंकी पांडे और नसरुद्दीन शाह भी हैं। इसके बाद दोनों दामनी फिल्म में एक साथ दिखाई दिए। हालांकि इस फिल्म में सनी देओल की भूमिका काफी छोटी थी और फिल्म के सेकेंड हाफ में वो दिखाई देती हैं, पर कहना गलत ना होगा, इतनी छोटी भूमिका होने के बावजूद सनी देओल इस फिल्म के बाकी सभी कलाकारों को खा गए थे। इस फिल्म में सनी देओल और अमरीश पुरी दोनों ने ही वकील का रोल निभाया है और दोनों के बीच अदालत में हुई जंग काफी रोचक है। इस फिल्म में सनी देओल के 2.5 किलो का हाथ और तारीख पे तारीख जैसे डायलॉग काफी हिट रहे थे। वहीं अमरीश पुरी जी का भी बाल झटकने का स्टाइल काफी पॉपुलर हुआ था। इसके बाद दोनों 1996 में आई फिल्म जीत में एक साथ दिखाई दिए, जहां पर सनी देओल ने एक गुंडे की भूमिका निभाई जो कि अमरीश पुरी के लिए काम करता है। यह फिल्म भी एक जबरदस्त हिट रही। इसके बाद दोनों उसी साल आई घातक में भी साथ दिखाई दिए, पर इस फिल्म में अमरीश पुरी सनी देओल के पिता की भूमिका में थे और इस फिल्म में वो विलेन ना होकर एक शरीफ आदमी बने थे जो कि एक गांधीवादी व्यक्ति होते हैं और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। पर फिल्म के मेन विलेन डैनी ना सिर्फ उनकी काफी बेइज्जती करते हैं बल्कि उनका मर्डर भी कर देते हैं। और फिर सनी देओल अपने पिता यानी अमरीश पुरी के मर्डर का डैनी से उसी तरह बदला लेते हैं। यह फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। उसके बाद दोनों 1998 में आई सलाखे में साथ साथ दिखाई दिए। हालांकि फिल्म ज्यादा नहीं चली, पर दोनों अपने अपने रोल के लिए काफी पॉपुलर हुए। इसके बाद सन 2001 में एक ऐसी फिल्म आई जो कि अमरीश पुरी और सनी देओल दोनों के ही कैरियर की सबसे बड़ी हिट कही जा सकती है, और इस फिल्म का नाम था गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म में जहां सनी देओल ने तारा सिंह की भूमिका निभाई थी, वहीं अमरीश पुरी फिल्म की हीरोइन अमीषा पटेल के पिता अशरफ अली बने थे। इस फिल्म में सनी देओल और अमरीश पुरी दोनों का ही रोल काफी दमदार था, और आज गदर 2 रिलीज होने के बाद काफी बड़ी हिट हो चुकी है। पर इस फिल्म में एक चीज को जिसे लोग सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं वो है अमरीश पुरी जी। इस फिल्म के बाद दोनों एक बार फिर 2003 में द हीरो में एक साथ दिखाई दिए। यह फिल्म एक बार फिर से गदर की सफलता को बुराने की एक असफल कोशिश थी। इस फिल्म में जहां सनी देओल एक इंडियन आर्मी के जवान बने हैं, वहीं अमरीश पुरी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हैं जो कि भारत में परमाणु विस्फोट करना चाहते हैं।
कैसे सनी देओल उनके इरादों पे पानी फेरती हैं, पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द बनी थी। हालांकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, पर सनी देओल और अमरीश पुरी दोनों का ही काम काफी लाजवाब था। इसके बाद ये दोनों एक साथ फिर उसी साल जालदार ट्रैप में दिखाई दिए, और इस फिल्म में वो दोनों एक बार फिर बाप बेटे के रोल में थे, जिनकी केमिस्ट्री काफी लाजवाब थी। हालांकि ये फिल्म एक फ्लॉप रही, पर क्योंकि ये फिल्म दोनों की साथ में आखिरी फिल्म थी, तो इस कारण हमने इसे इस टॉप 10 की लिस्ट में जगह दी है। दोस्तों उसके बाद अमरीश जी का निधन हो गया और सनी देओल और अमरीश पुरी की यादगार जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। दोस्तों सनी देओल और अमरीश पुरी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आप कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।